हम अपने घर को सजाने के लिए बहुत ही महंगे महंगे वॉल हैंगिंग लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने घर की ही चीज़ों से और जो वेस्ट पड़ी हुई हैं वो चीज़ों से ही घर में बहुत ही अच्छे वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो एक ऐसा ही वॉल हैंगिंग आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी जो आप भी अपने घर में बआसानी बना सकेंगे। तो आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप अपने चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ले लिया है एक केक का बेस, आप इसकी जगह कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। इसका फॉइल जो है मैंने ऊपर का उतार दिया है और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे प्रिंट का फैब्रिक मैं स्टिक कर रही हूँ ग्लू गन की हेल्प से। आप वाइट ग्लू से भी ये फैब्रिक स्टिक कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक यार्न, मैंने वाइट कलर का यार्न लिया है। इसकी मैं एक मोटी सी डोरी बनाऊंगी और इसको मैंने 5 स्ट्रिप्स जो हैं इसकी लंबी लंबी कट कर ली हैं। अब इसको हम बीच में से एक पकड़ेंगे और दोनों साइड से इस तरह से मोड़ते जाएंगे और जब हम इसे छोड़ेंगे ये एक बल में बहुत ही अच्छी डोरी बन जाएगी। ये मैंने इतनी बड़ी बनाई है, एंड में मैं इसके नोट लगा दूंगी ताकि ये खुले ना। उसके बाद ये इस रोप को मैं इस जो मैंने केक के बेस के ऊपर फैब्रिक स्टिक किया था इसके साइड पे मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी इस तरीके से। आप यहाँ पर कॉटन रोप भी यूज़ कर सकते हैं और जूट रोप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऊन यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इस फैब्रिक से मैचिंग का ये वाइट कलर का ही था और मेरे पास कॉटन रोप भी नहीं है। तो मैं इस तरीके से अब ये एक फ्लावर बना रही हूँ। पहले मैंने इसे काफ़ी सारा आपस में रैप कर लिया है, फिर इसको बीच में से नोट लगा के कट कर लिया है, फिर इसको एक बराबर करने के लिए इसके एजेस कट कर लेंगे और फिर इसके जो नीचे की जो मैंने नोट लगाई थी उसको हम जितना लंबा रखना चाहें रख सकते हैं। और इसको भी एक रोप की शक्ल में बना दूंगी मोड़ मोड़ के इस तरीके से और एंड में मैं इसके ऊपर ग्लू लगा के इन दोनों साइड्स को जो है स्टिक कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर भी ग्लू लगा के इसको एक साथ स्टिक करूंगी ताकि ये जो है खुले नहीं बार बार और ये बिल्कुल फैले ना। फिर मैंने यहाँ ग्लू गन की हेल्प से ही ये फैब्रिक के ऊपर ही इसको स्टिक कर दिया है इस तरीके से। इस तरह से मैंने 5 फ्लावर्स बनाए हैं और इनको आपस में इस तरीके से मैं स्टिक करती जाऊंगी ग्लू गन की हेल्प से। पहले मैं यहाँ पर कुछ मिरर्स लगाने वाली थी लेकिन मिरर्स इसके ऊपर इतने अच्छे नहीं जा रहे थे तो मैंने यहाँ यार्न के ही कुछ फ्लावर बना के इसके ऊपर डेकोर कर दिए हैं। मैंने यहाँ कुछ ले लिए हैं टसल्स, ये मैंने बहुत पहले बना के रखे हुए थे। फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर ये कुछ बीड्स ले रही हूँ और ये इन टसल्स में मैं यहाँ पर बीड्स डालूंगी। ये कलरफुल बीड्स हैं और मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने इसी को यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी बीड्स हों वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी हों तो आप ना भी यूज़ करें। अब हम इन टसल्स को सेटिंग से यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ सबसे बड़ा वाला जो टसल्स है वो हम यहाँ पर सेंटर में लगाएंगे और जो छोटे वाले टसल्स हैं वो हम यहाँ पर साइड पर स्टिक कर देंगे। और ऊपर हैंग के लिए मैंने यहाँ पर एक डोरी रखी है और उसके ऊपर ग्लू गन लगा के मास्किंग टेप लगा दिया है। मैंने इस तरह के 2 बनाए हैं और ये मेरे घर में डेकोर है। ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये DIY अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।